बमूरिया गांव में थाना करारिया में कल रात्रि में दांगी पक्ष एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे तो उसमें अनिरुद्ध दांगी को गोली लग के उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में दो आरोपी थे, एक आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को भी चोट है, उसको सिटी स्कैन के लिए भोपाल रेफर किया। मैम जो दूसरा आरोपी है, आरोपी बताया जा रहा है चंद्र जिसका नाम है, उसे तलवार किसने मारी? उसकी तरफ से भी FIR है, उसने तीन नाम बताए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। घटना पहले किसकी हुई, पहले गोली चली या तलवार चली? अभी तक जितनी जानकारी हमें आई उसमें पहले गोली चली। मैडम अभी जिला परिषद में गमले रखे हैं, कट्टा भी प्राप्त हुआ है, हाँ क्या लग रहा है? जहाँ तक हम समझते हैं इसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, उसकी डॉक्टरी जाँच कराएंगे, उसकी फोरेंसिक जाँच होगी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट जाँच करेंगे। बमूरिया क्या हुआ? गाली गुप्ता हो रही थी, तो पैद गाली दे रहा तो ईटा फेंक रहा तो हमारे भैया ईटी आ तो बाहर देख देख चक्कर में आ रहे गोली चला लगा दो ही भैया कंधु मैं दो ही चला रहे थे। अच्छा ये गोली किस बात पे चलाई है? मैं हमारी को फार्म भर था हमारे भैया ने ना ही कर रहा तो मत भरिए। भैया के घर से भरा था? हाँ भैया घर से भर था। क्या नाम था उनका? लक्ष्मी भाई। किसने मारी थी गोली? चंदू। कौन से गांव का मामला, कितने बजे की घटना? बमूरिया। कितने बजे की घटना है? 9:15 बजे हो गए, 8:30 बजे 9 के बीच में हुई घटना। इसको हम अलखान सिंह की चिन्हित अपराध बनाएंगे, चिन्हित अपराध। ठीक है, आज 2 साल हम रहे, ये कितने रहे, लेकिन इसमें सजा होगी, डायरी बिल्कुल अच्छी बननी चाहिए। ठीक है, मत परेशान हो, मेरे को भी बड़ा खराब लगा इतना जवान लड़का देख। ये मतलब आपसी में ये मत करना कि भाई उनने हमारे लड़के को मारा तो हम भी उनके को मारे, तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? गुस्सा तो आती है। बता दो भाई साहब, बताओ।